मैं तो उससे पहले 3-4 लड़कों से मिली थी, बट पीयूष वॉज मीटिंग फर्स्ट गर्ल एवर. जून 2020 में आई गॉट प्रेगनेंट ऑल्सो, बट जून में ही मिसकैरेज हो गया मेरा. द सोर्स ऑफ इनकम की हम बात करें तो मोनेटाइजेशन के थ्रू आजकल हर ऐप पे करती है. हाय गाइस, होप यू डूइंग वेल. तो हमें काफ़ी सारे पिछले दिनों रिक्वेस्ट और मैसेजेस आए कि आप लोगों को हमारी लाइफ की स्टोरी जाननी है, और सही बात भी है, हम लोग आपसे इतना कनेक्टेड हैं और अपने व्लॉग्स और लाइफ डेली लाइफ शेयर करते हैं, बट आज तक हमने कभी अपनी लाइफ स्टोरी की वीडियो ही नहीं बनाई. तो आज मैं फाइनली एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना रही हूँ. तो फटाफट शुरू करते हैं. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड लेट्स बिगिन. तो पीयूष तो ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी बिजनेस ट्रिप पे गए हुए हैं, तो मैं हम दोनों के बिहाफ पे ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए. दोनों की ही स्टोरी बताऊँगी. तो शुरू करते हैं हमारे एजुकेशन से. पीयूष ने IHM से होटल मैनेजमेंट करी हुई है, IHM चंडीगढ़ से, और मैंने भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करी हुई है IT में. तो पीयूष ग्रेजुएटेड इन 2011 एंड मेरी ग्रेजुएशन थी 2015 में. हम दोनों में 3 ईयर्स का गैप है, ये भी काफ़ी लोग पूछते हैं, तो हमारी एज में 3 ईयर्स का गैप है. देन पीयूष ने कॉलेज के बाद होटल मैनेजमेंट करी है ले मेरिडियन में. पीयूष ने 3 ईयर्स काम किया और उसके बाद अपना हार्डवेयर का काम शुरू किया. तो पीयूष इज़ ऑल्सो अ बिजनेस मैन, और पीयूष का हार्डवेयर का काम है दिल्ली में. अब मेरी स्टोरी पे आते हैं. तो 2015 में मैंने ग्रेजुएट करके 2016 तक एक साल मैंने EY अर्नस्ट एंड यंग में जॉब करी. इट वाज अ बिग कॉर्पोरेट MNC जॉब, काफ़ी सही थी, बट ऐसे इतना क्रिएटिव नहीं था. मेरा माइंड क्रिएटिव है तो मेरे को इतना मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने वो एक साल में छोड़ दी. उसके बाद मैंने अपना फैशन स्टूडियो खोला. 2017 से फैशन स्टूडियो मैंने अपना स्टार्ट किया, और सही चल रहा था. मुझे फैशन में बहुत इंटरेस्ट है, आज भी है. तो मैं डिज़ाइन भी खुद करती थी, मेरी इन हाउस स्टिचिंग टीम थी, तो क्लाइंट्स के लिए फैब्रिक्स वगैरह सोर्स करके डिज़ाइन करके उनके लिए बनवाती थी. 2018 में हम लोग पीयूष और मैं जीवन साथी के थ्रू मिले. तो हमारी अरेंज मैरिज है, शायद कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को अभी भी डाउट है, हमारी अरेंज मैरिज है. जीवन साथी के हम लोग मिले थे. हमारी मॉम्स ने प्रोफाइल बनाई थी, उन्होंने एक दूसरे के साथ बात करके मीटिंग सेट करी थी. तो पीयूष और मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी मीटिंग के लिए गए, और हमें सही लगा, मतलब फर्स्ट मीटिंग में ही हम क्लिक कर गए थे. मैं तो उससे पहले 3-4 लड़कों से मिली थी, बट पीयूष वॉज मीटिंग फर्स्ट गर्ल एवर. तो पीयूष ने तो पहली ही मीटिंग में चूज़ कर लिया. पीयूष को सही लगा सब कुछ, और पीयूष ने तो अपना गो अहेड दे दिया था पहली मीटिंग में. उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी और बातचीत करी, सब कुछ सही लगा, फिर फैमिलीज इन्वॉल्व हुई. एंड दिसंबर 2018 में हमारा रोका हुआ था, और फरवरी 2019 में हमारी शादी हुई थी. तो वैसे टोटल कोर्टशिप पीरियड 5 मंथ्स का था. तो उसके बाद मैंने अपना फैशन स्टूडियो कंटिन्यू किया 2019 में पूरा, और उसी टाइम पे हम लोगों ने 2019 में ही फूड ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी. विच मीन्स हम लोग ऐसा कैजुअली रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते थे और वहाँ पे लोगों को बताते थे वीडियोस के थ्रू कि हम लोग यहाँ का क्या अच्छा है, खाने पीने में क्या अच्छा है, पिक्चर्स वगैरह डालते थे फूड की अपने पेज पे. तो सही था, कोई सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं थी ये, बट घूमने फिरने के लिए मज़ा आता था. हम लोग ऐसा शाम वाम में या फिर वीकेंड्स पे घूमने फिरने निकल जाया करते थे. तो 2019 में ये सब चल रहा था, और अपनी न्यूली मैरिड लाइफ हम लोग इन्जॉय कर रहे थे. 2020 में फिर हम लोग अपने एनिवर्सरी पे हम लोग थाईलैंड में गए ट्रिप के लिए, और जब वहाँ से वापस आए तो दिल्ली में, इंडिया में कोविड आ चुका था, और दिल्ली में कंप्लीट लॉकडाउन लग गया मार्च में. सब कुछ बंद हो गया, मेरा फैशन स्टूडियो भी बंद हो गया, सारी सेल्स हो गई बिल्कुल ज़ीरो. एंड हम लोगों ने फिर घर पे वीडियोज़ वगैरह बनाना शुरू कर दिया, घर की कुकिंग की वीडियोज़. कुछ मेरे YouTube चैनल पे आप पहले देखोगे तो कुछ कुकिंग वीडियोस भी हैं, तो हम लोग वो सब बनाने लग गए थे. एंड उसी टाइम फिर हम लोगों ने बेबी की प्लानिंग शुरू करी, और जून 2020 में आई गॉट प्रेगनेंट ऑल्सो, बट जून में ही मिसकैरेज हो गया मेरा. और उसके बाद के 2-3 महीने काफ़ी डिप्रेसिंग से थे, और बहुत ज़्यादा मैं काम भी नहीं कर पा रही थी, और पेज भी क्योंकि मतलब मोर रिलेटेड टू फूड ही था, तो इतना कुछ खास हमें व्यूज़ या फॉलोअर्स नहीं मिलते थे. उस समय हमारे पास 10,000 फॉलोअर्स ही थे, तो सब कुछ नॉर्मल सा चल रहा था, एंड आई वाज स्टिल रिकवरिंग. बट फिर लॉकडाउन जब खुल गया तो सारे बिजनेसेस वापस से अपने बैक टू नॉर्मल आने लग गए. मैंने अपना फैशन स्टूडियो फिर से रिज्यूम कर लिया,
और साथ साथ हम लोगों ने कपल वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, बिकॉज उस टाइम पे इंस्टाग्राम ने रील्स इंट्रोड्यूस कर दी थी ऐप पे, जुलाई 2020 में आई रिमेम्बर। तो हम लोगों ने रील्स में कपल लाइव दिखानी शुरू कर दी, उसको थोड़ा अच्छा बूस्ट मिला, लोगों को पसंद आने लग गया और हमारे व्यूज़ वगैरह अच्छे आते थे। फॉलोअर्स इतने खास नहीं बढ़ते थे, बट लोगों को एज अ कपल हम लोग बहुत पसंद आते थे, हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती थी। तो उसके बाद ये सब चल रहा था, फैशन स्टूडियो का थोड़ा बहुत काम, थोड़ा बहुत वीडियोज़ का काम, नॉर्मल एंड बट देन वी डिसाइडेड कि हमें बेबी के लिए फिर से ट्राई करना चाहिए। तो हम लोगों ने डॉक्टर से बात वगैरह करके फिर से बेबी के लिए ट्राई करना शुरू किया एंड आई गॉट प्रेग्नेंट अगेन इन अक्टूबर 2020। बट अगेन मिसकैरेज के चांसेस थे इस बार। तो डॉक्टर ने मुझे अंडर वेरी स्ट्रिक्ट सुपरविजन डाल दिया, सारा काम वाम बंद हो गया, मैं घर पे रहने लग गई थी, कहीं आना जाना बंद था, कंप्लीट बेड रेस्ट सिचुएशन थी वो, और इंजेक्शंस वगैरह लग रहे थे उन दिनों। तो फैशन स्टूडियो भी बिल्कुल बंद हो गया, कंटेंट भी कुछ खास हम क्रिएट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थी और प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के नौजिया और वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब भी चलता रहता था, वीकनेस वगैरह काफ़ी रहती थी। तो वो टाइम एक्चुअली मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, बट जैसे तैसे करके अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रख के मैंने अपने थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू किया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब सोशल मीडिया का मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं एक PR और मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करूँगी। तो उन दिनों घर पे खाली रहती थी मैं, मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज करे डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। एंड जनवरी 2021 में डॉक्टर ने बोला कि अब आप बाहर निकल सकते हो। तो पूरी प्रेगनेंसी मैंने काफ़ी मेहनत करी अपने कंपनी के लिए, काफ़ी सारा भागदौड़ी लगी रहती थी, मैं लीड्स लेने के लिए वॉकिंस कर रही थी और जो भी मिलता था उनको अपने कार्ड दे के आती थी, फिर उनसे काम, उनको अपने काम के बारे में बताती थी, उनसे फॉलोअप लेती थी। तो ये सब भी चल रहा था एंड उस समय हम लोगों ने अपने प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस डालने शुरू करे थे इंस्टाग्राम पे, तो लोगों को बहुत पसंद आते थे। इनफैक्ट आज तक भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हमारी वीडियोस आज तक भी उस पे व्यूज़ आते हैं और लोगों को पसंद आती हैं। तो वो था भी बड़ा फ्रेश सा लोगों के देखने के लिए, तो उस समय हमारे व्यूज़ भी बढ़ने लग गए, फॉलोअर्स भी बढ़ने लग गए, पेज पे एंगेजमेंट भी काफ़ी सही आती थी। और ऐसे करते 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 प्रेगनेंसी निकल गई एंड जून 2021 में नीरा वॉज बॉर्न, सिजेरियन का ऑपरेशन हुआ था मेरा। तो नीरा वॉज बॉर्न विद जॉन्डिस, काफ़ी सारे बच्चों को जॉन्डिस होता है जब वो बॉर्न होते हैं, बट नीरा के शुगर लेवल्स थोड़ा लो ही थे, तो स्टार्टिंग के 15-20 डेज उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, तो उसके लिए भी काफ़ी भागा दौड़ी लगी रहती थी एंड डॉक्टर के आना जाना काफ़ी कुछ रहता था। बट कहीं ना कहीं हम लोगों को PR के काम में और कंटेंट क्रिएशन में काफ़ी मज़ा आता था और अच्छा लगता था ये वाला काम। तो किसी भी टाइम हम लोगों ने काम छोड़ा नहीं, कोई ब्रेक नहीं लिया, कॉन्स्टेंटली इसके टूवर्ड्स काम करते ही रहते थे। निहिरा जब हुई थी तो ऑलमोस्ट हमारे 50,000 फॉलोअर्स हो गए थे और इससे काफ़ी मोटिवेशन मिला। और ऑल दो बहुत डिफ़िकल्ट होता था एक न्यू बॉर्न बेबी के साथ, मदर सब जानती ही हैं, पूरी पूरी रात उसकी फीडिंग चलती है, पूरे पूरे दिन, और तब मेरे को मीटिंग्स में भी जाना हुआ करता था, वीडियो शूट करने के लिए भी बीच में टाइम निकालना पड़ता था। तो इन सब चीज़ों के साथ फिर आई वॉज ऑल्सो रिकवरिंग, सिजेरियन की मेरी हुई थी सर्जरी। तो बट उन दिनों हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, रात रात को 2-2, 3-3 बजे तक भी हम लोग वीडियोस बनाते थे जब नीरा सो जाती थी, क्योंकि काम में मज़ा आता था और दिख रहा था कहीं ना कहीं कि लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और इसमें हम ग्रो कर रहे हैं। तो वो ही मेहनत हमारी रंग लाई और देखते ही देखते हम अक्टूबर में हम लोगों ने 100K फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए, विच मीन्स 1 लाख फॉलोअर्स हमारे इंस्टाग्राम पे हो गए थे अक्टूबर में। उस समय काफ़ी सही चल रहा था पेज, तो हम लोगों ने यूट्यूब का पेज भी स्टार्ट किया, बिकॉज लोगों को अपनी हमारी और रोज़ की डेली लाइफ के बारे में देखना था, तो हम लोगों ने अपना आना जाना, ट्रिप्स वगैरह ये सब कवर करना शुरू कर दिया यूट्यूब पे। यूट्यूब थोड़ा स्लो चल रहा था बट इंस्टाग्राम काफ़ी सही था। धीरे धीरे हम लोगों को कोलैबोरेशंस भी आने लग गई, विच मीन्स ब्रांड्स हमें अपने प्रमोशन के लिए अप्रोच करने लग गए, तो क्योंकि व्यूज़ बहुत अच्छे आते थे इंस्टाग्राम पे, फॉलोअर्स बहुत अच्छे थे, तो हम लोग अपना जो हमें लगता था हम अपने मन चाहे प्राइजेस कोट करते थे ब्रांड से और ब्रांड वो देने के लिए राज़ी हो भी जाते थे। तो धीरे धीरे लगा कि ये सोर्स ऑफ इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, तो और ज़्यादा मेहनत करने लग गए हम इसके ऊपर। जहाँ हम 2 दिन में 1 रील डालते थे,
हमने हर रोज़ एक एक रील डालनी शुरू कर दी, रोज़ कुछ ना कुछ नया कंटेंट सोचना, काफ़ी दिमाग लगाना। पूरे दिन पीयूष के भी अपना ऑफिस का काम चलता था, मेरा भी अपना पीआर का काम था, रात को हम लोग बैठ के रील्स सोचते थे, बनाते थे, रात के दो दो तीन तीन बजे तो सोना बहुत नॉर्मल है, तब से लेके आज तक भी हमारी लाइफ ऐसी ही है। और बस उसके बाद से काम बढ़ता ही चला गया। आज की डेट में आप लोग जानते ही हो हमारे ऑलमोस्ट 220,000 फॉलोअर्स, मतलब 220,000 फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। बीच में हम लोगों ने फिर फेसबुक पे भी डालना शुरू किया, फेसबुक भी बहुत अच्छा ग्रो होने लग गया, तो 225,000 फॉलोअर्स फेसबुक पे भी हैं। और इस साल रिसेंटली लास्ट 3-4 मंथ्स में यूट्यूब भी काफ़ी बूस्ट किया है, थैंक्स टू यू गाइस। सब लोगों को यूट्यूब का कंटेंट भी हमें काफ़ी पसंद आता है, तो ऑलमोस्ट यूट्यूब पे भी 75,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं। एंड सोर्स ऑफ इनकम की हम बात करें तो मोनेटाइजेशन के थ्रू आजकल हर ऐप पे करती है, और ब्रांड प्रमोशंस अलग होती हैं, ब्रांड भी हमें अपने को प्रमोट करने के लिए पे करते हैं। तो अब तो रील्स पे भी मोनेटाइजेशन शुरू हो गई, यूट्यूब पे भी जब आप शॉर्ट्स डालते हो तो उस पे भी कुछ ना कुछ पे मिलता है, फेसबुक पे भी ऐसे ही है, प्लस फेसबुक और यूट्यूब पे जब लॉन्ग वीडियोस डलती हैं तो भी कुछ ना कुछ हमें, हम लोग उससे अर्न करते हैं, ब्रांड प्रमोशंस होती हैं। फिर मेरा अपना पीआर का काम है, तो पीआर और मार्केटिंग एजेंसी है, मेरे पास 25 लोगों की टीम है ऑलमोस्ट, तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, तो एक सोर्स ऑफ इनकम मेरे लिए वो भी है। एंड पीयूष का अपना बिजनेस है हार्डवेयर का, तो वो भी है, तो इन टोटालिटी ये सब है। नीरा का भी पेज था वैसे तो, बट अभी रिसेंटली सस्पेंड हो गया इंस्टाग्राम से कुछ कन्फ्यूजन की वजह से, वी आर स्टिल वर्किंग आउट उसको कैसे ठीक करना है क्या करना है। तो ये है हमारी लाइफ की स्टोरी, आई होप मैंने कोई डिटेल मिस ना करी हो, बट अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, और कुछ भी अगर आपको कोई भी आपकी सजेशन हो कंटेंट क्रिएशन को लेके, या फिर सोशल मीडिया को लेके, या हमारी पर्सनल लाइफ को लेके, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं अपनी दिसंबर में फर्स्ट मास्टर क्लास करने वाली हूँ, रील्स का कोर्स देने वाली हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग रील्स कैसे बनाते हैं और इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो किया जाता है इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इस चीज़ का एक मैं कोर्स करूँगी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप भी उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। एंड बाकी होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग आर कंटेंट। बाय बाय।